करेंगे हैवानियत का ब्रेक फेल, जुर्म का डबल डोज। एक शख्स जिस पर रेप का आरोप है, पुलिस ढूंढती हुई पहुंची तो आरोपी अपनी गाड़ी से फरार होने की कोशिश में लगा। सफेद कार में सवार होकर भागने की कोशिश में एक जुर्म उसने कर दिया। सोसाइटी के गेट पर खड़े सिक्योरिटी इंचार्ज को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। जुर्म की डबल डोज का बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। रेप के आरोपी की खौफनाक करतूत। सिक्योरिटी इंचार्ज को मारी कार से टक्कर। तेज रफ्तार कार से आरोपी फरार। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक इंसान को जोरदार टक्कर मार दी गई। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक आरोपी की अक्षम्य वारदात है जिसने सोसाइटी के गेट पर खड़े सिक्योरिटी इंचार्ज को निशाना बनाया। मामला नोएडा के सेक्टर 120 साम्रपाली जोड़ियक सोसाइटी का है, जहां सिक्योरिटी गार्ड को कुचलने की कोशिश का वीडियो सामने आया। सफेद कार में सवार कोई और नहीं बल्कि रेप का आरोपी है जिसे पुलिस पकड़ने आई थी। जैसे इस बात की भनक इसे लगी, आरोपी ने तेज रफ्तार गाड़ी से सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड रेप के आरोपी को घेरने का प्रयास करता दिख रहा है, मगर वो पुलिस वालों पर ही गाड़ी चढ़ा देता है, फिर तेज रफ्तार में सोसाइटी से कार लेकर भाग निकलता है। इस टक्कर के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज दूर जाकर गिरे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की एक टीम फरार आरोपी की दबिश में लगी हुई है। सोसाइटी में नीरज कुमार नाम का शख्स रहता है जो एक कंपनी में जीएम है। आरोप है कि उसके साथ काम करने वाली एक महिला ने उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सोसाइटी पहुंची थी। इसकी भनक लगते ही आरोपी नीरज अपनी कार से सोसाइटी से भागने का प्रयास कर रहा था और इसी कोशिश में उसने अक्षम्य वारदात को अंजाम दे दिया। रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।